16. Oh. Same. पापा पता है उस दिन मैं संध्या आंटी के घर रहने गई थी ना, तब संध्या आंटी रो रही थी। रो रही थी क्यों बेटे? पता नहीं। और उनके साथ में कौन था? कोई नहीं, वो अकेली रो रही थी। अच्छा चलो बेटे आपकी टर्न है। नमस्कार। अरे हसीम जी आप? नमस्ते। गुजर रहा था आपको, देखा तो रुक गया। अच्छा ऑफिस जा रहे थे? नहीं नहीं, वो नीलम का लंच बॉक्स रह गया, तो मैं सोचा उसके स्कूल जाके उसका लंच बॉक्स दे आऊं। अच्छा। आपको देखकर सोचा बात कर ले। मिसेस वशिष्ठ, कल आपने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी, बहुत अच्छा लगा मुझे। सच पूछिए तो मेरा दर्द आधा रह गया। बस अब गीतू आ जाएगी तो ये आधा भी नहीं रहेगा। मिसेस वशिष्ठ, एक बात मैंने रियलाइज की है जी, कि जो बात परेशान कर रही हो उसे मन में नहीं रखना चाहिए, बोल देना चाहिए। मन में रखना इज नॉट हेल्दी यू नो। मैं तो कहता हूं जो बात परेशान कर रही है वो कह डालिए, झगड़ा कर लीजिए, मारपीट कर लीजिए, दिल में मत रखिए। क्या है, दिल में रखने से जख्म होता है, जख्म नासूर बन जाता है। सेठ। सबके नसीब में बोल पाना नहीं होता असीम जी, और जब अकेले दर्द सहा जाता है तो सिर्फ एक ही इंसान को तकलीफ पहुंचती है। अगर वही दर्द जबान पर लाया जाए हो सकता है कई इंसानों को तकलीफ पहुंचे। कितना हुआ भैया? छुट्टा है? थैंक यू। अच्छा अब मैं चलती हूँ। एक आइडिया है मेरे दिमाग में, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ नीलम के स्कूल चलिए, उसका लंच बॉक्स देंगे, आपसे मिलकर खुश भी हो जाएगी, और फिर मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। अरे इसमें इतना सोच क्या रही हैं? आइए ना कार में बैठिए, आइए। असीम जी मुझे जल्दी घर जाना है, वो क्या है कि उनका शोरूम जाने का वक्त हो गया है, तो मुझे घर जल्दी पहुंचना ही चाहिए। अब फिर कभी से। ओके। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। मेरी बात याद रखिएगा। जी जानते हैं आज सुबह जब मैं सब्जी लेने गई थी तो असीम जी वहां से गुजरे, वो नीलम अपना टिफिन बॉक्स घर पर भूल गई थी, वहीं पहुंचाने जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा आप भी क्यों नहीं आती स्कूल, मतलब नीलम आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। मैंने साफ मना कर दिया। मना कर दिया क्यों? आप ही ने तो कहा था कि उनसे ज्यादा मिलना जुलना आपको पसंद नहीं है। हाँ तो तुमने उनको ये कह दिया कि मैंने तुम्हें उनको मिलने से मना कर दिया है? नहीं नहीं, बल्कि मैंने तो उनसे कहा कि घर पर बहुत ज्यादा काम है इसलिए। ठीक है, मुझे खुशी हुई। आपको खुशी हुई? भाई तुम जब अच्छा कोई काम करती हो तो खुशी नहीं होगी? कमाल करती हो।
एक्सक्यूज मी, मे आई नो द टाइम प्लीज? मैं घड़ी नहीं पहनती। पर फिर भी अंदाजन क्या टाइम हुआ होगा? 3 बजे होंगे शायद। 3? फिर तो मिल चुकी टैक्सी। अब यहाँ टैक्सी का इंतजार कर रही है? जी, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि फिर भी मिल चुकी टैक्सी? क्योंकि 2 बजे के बाद टैक्सी वालों की तो स्ट्राइक है ना। ओह नो। ओह यस। चलिए आगे बस स्टॉप है, अगले बस स्टॉप पर। वैसे आप रोज टैक्सी यहीं से पकड़ती हैं? जी, वो मेरा कॉलेज पास ही में है ना। ओह, देन आई मस्ट से कि यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल। क्यों? भाई अकेले आना जाना, वो भी दिन दहाड़े ये मालूम होने के बावजूद भी कि क्राइम फैला हुआ है, और अकेली लड़की, वो भी इतनी खूबसूरत, क्या बात है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नो, यू डिजर्व इट। वैसे आप मुझे दोस्ती करेंगी? अब मेरा नाम प्रीतम। भावना, भावना वशिष्ठ। आई, कौन है? भावना, तू भी? बहुत भूख लगी माँ। अरे छिला हुआ नहीं है तू? ये अभी मत खा। माँ अभी ये मत कहो कि हाथ मुंह धो ले फिर खाए कान पेट। तुमने आलू पराठे बनाए? बनाए हैं भाई, बनाए हैं, और साथ में टमाटर की चटनी भी बनाई है। ये सो स्वीट। और सुन, बाजार से मैं आलू मटर और गोभी लाई हूँ, रात को तहरी खिलाऊंगी। रात को? क्यों? रात को तो मेरा खाना बाहर होने वाला है। कहाँ? वो मेरी लेक्चरर है ना, उसने मुझे स्पेशल ट्यूशंस के लिए बुलाया है रात को, तो मैं मना तो नहीं कर सकती। बहुत अच्छी है वो, फ्री में ट्यूशंस देती है, तो मुझे जाना पड़ेगा, उसी के साथ खाना भी पड़ेगा। जाऊँ मैं? एड्रेस छोड़ जाना, तेरे पिताजी लौट आएंगे तो फिर वो तुझे लेने जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पिताजी? पिताजी को क्यों बोलती हो तुम? वो खुद आ जाएंगे मुझे छोड़ने। पिताजी की नींद मत खराब करो तुम। सच सच बता, तुम वहाँ ट्यूशंस ही पढ़ने जाएंगे ना, या कोई और बात है? आई स्वेयर ट्यूशंस के लिए जा रही हूँ, सच कह रही हूँ। Hey, great to see you, Bhavna. तुमने मुझसे कहा नहीं कि यहाँ कोई लड़कियाँ नहीं होने वाली? क्या फर्क पड़ता है यार, इस सारी महफिल में तुम खूबसूरत लड़की सबका अटेंशन बनी रहोगी। चलो come on, now have a fun. नहीं नहीं, प्लीज come on यार, प्लीज। मैं पीती नहीं हूँ। शर्म आ रही है, कहो तो कोला में डालता। नहीं, मैं सीरियसली नहीं पीती ना। चलो यहाँ से। हेलो। हेलो असीम जी, नमस्ते, मैं मिसेस वशिष्ठ बोल रही हूँ। हाँ मिसेस वशिष्ठ, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? जी दरअसल हम आपकी और गीतू की सगाई की तैयारियाँ कर रहे हैं, उसी सिलसिले में। ना 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 ना, मिसेस वशिष्ठ, सगाई आप लोग नहीं, सगाई का इंतजाम हम लोग करेंगे। नहीं असीम जी, सगाई का इंतजाम तो लड़की वाले ही करते हैं। नहीं मिसेस वशिष्ठ, मैंने चाचा जी से पहले ही कह दिया था कि मैं लड़की वालों पर किसी तरह का बोझ या बर्डन नहीं चाहता हूँ। ये सगाई वगैरह का खर्चा, दहेज, गिफ्ट्स, ये सब नहीं चाहिए। देखिए, ये सब करने से तो फिर रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, ऐसा लगता है कि इस सब के बदले में आप लड़की के लिए खुशियां खरीद रहे हैं। देखिए ये सब होगा ना तो बजाय ये सोचने के कि ये रिश्ता कितना सच्चा और प्यारा है, आप ये सोचने लगेंगे कि ये सौदा कितना महंगा पड़ा। ठीक बात है ना? कभी कभी कुछ ना देना ज्यादा महंगा पड़ जाता है असीम जी। मिसेस वशिष्ठ, मेरा मतलब है हमारी बेटियां ही हमारा सब कुछ है, हमने जो कुछ भी जुटाया है उन्हीं के लिए है, हम अगर उन्हें कुछ देते हैं तो हमें खुशी ही होगी। जी सही कह रही हैं, ठीक बात है। चलिए कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं जिसमें दोनों की रजामंदी हो। सगाई आपके यहाँ होगी और सगाई का खर्च हम
लोग आधा आधा उठाएंगे, मंजूर? ठीक है, मैं उनसे पूछकर आपको बताती हूँ। इत्तेफाक की बात है कि मैं उस पार्टी पर पहुंच गया। एक्चुअली जिसने वो पार्टी थ्रो की थी मेरा साला उसका दोस्त था। मेरा साला यूएस में, इसलिए उसके बिहाफ पर मुझे आना पड़ा, वरना मैं ऐसी पार्टीज पर आता नहीं। एक बात बताओ, वो लड़का जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था तुम उसे कब से जानती हो? आज से। आज से? और तुम उसके पार्टी पर चली? तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम उस पार्टी पर गई? नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। मैंने तो उनसे कहा था कि मैं स्पेशल ट्यूशन के लिए अपने लेक्चरर के घर जा रही हूं। आई बेग ऑफ यू, प्लीज मेरे पेरेंट्स को कुछ मत बताइए। हां, बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। देखो एक काम करते हैं, तुम मेरे घर चलो, हैव अ कप ऑफ कॉफी, बैठकर कुछ देर रिलैक्स कर देना टिल यू कैन कंपोज योरसेल्फ। हां, और घबराओ मत, आई एम अ मैरिड मैन, मेरी वाइफ होगी घर। नमस्ते। नमस्ते, नेम सब आ गई? मैं भी नहीं आई। एक काम करो, दो कप कॉफी बना कर लाओ। कम सिट, रिलैक्स, गिव मी अ मिनट। हां, हेलो, हाँ डार्लिंग, वेयर आर यू? ओके लव, राइट, सी यू लेटर, बाय। सॉरी, मेरी वाइफ को जरा देर हो जाएगी तो शायद आज तुम उसे ना मिल पाओ। एनीवे, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होगा। क्यों? वो मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं आने जाने नहीं देते, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, इसीलिए मैं हमेशा उनसे झूठ बोल बोल कर जाती रहती हूँ। भावना, मैं मानता हूँ कि बच्चों पर ज्यादा पाबंदी लगाना अच्छा नहीं है, लेकिन आज जो तुमने किया वो भी गलत है। मुझे क्या पता था वो लड़का मुझे शराब पिलाने की कोशिश करेगा, बातचीत से तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। देखो भावना, गलती उस लड़के की है, लेकिन किसी हद तक तुम भी जिम्मेदार हो। अरे तुम कैसे एक अजनबी से बात करने लग गई और पहली मुलाकात में उसकी पार्टी में आने को तैयार हो गई? देखो अब लड़का किस तरह से बिहेव करता है वो लड़की के कॉन्डक्ट पर डिपेंड करता है, और इस सिलसिले में मैं यही कहूंगा कि तुमने उसे बढ़ावा दिया कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। अगर लड़की के बर्ताव में डिग्निटी हो तो लड़का कभी उसकी तरफ नाजायज कदम नहीं उठाएगा। अब अजीति को ही देख लो। अजीति? मेरी वाइफ। अब दिन भर आदमियों के बीच घिरी रहती है और कभी कभार ऑफिस में इतना ज्यादा काम रहता है कि देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता है, लेकिन वहां पर अरे उसे छूना तो दूर, किसी ने उसे उल्टी उल्टी बात भी नहीं की है। अब उसका कॉन्डक्ट ही ऐसा है। आपकी वाइफ आदमियों के बीच काम करती है, वो भी देर रात तक? आप उन्हें रोकते नहीं हैं? क्यों? अरे जब मैं काम कर सकता हूं तो वो काम क्यों नहीं कर सकती? और काम की वजह से अगर उसे देर रात तक रुकना पड़ता है तो उसमें बुराई क्या है? मैं भी तो कितनी बार ऑफिस से बहुत देर लौटता हूं। ऐसा भी होता है? नमस्कार। अरे असीम जी, नमस्कार, आइए ना आइए। आइए बैठिए। थैंक यू। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं, सबसे पहले तो इतने रात गए आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखिए दरअसल बात यह है कि आप इस बर्तन में हमारे यहाँ हलवा लाई थी और उसी वक्त से हर रोज माँ मुझसे कहती है कि उनका बर्तन लौटाओ, उनका बर्तन लौटाओ, और मैं हर रोज भूल जाता हूँ। लेकिन आज मैंने तय कर लिया था, चाहे कितनी भी रात हो जाए बर्तन मैं लौटाऊंगा ही। आप भी ना, ये तो भरा हुआ है। तो आप क्या सोचती हैं, हम इतने बेशर्म हैं कि खाली बर्तन वापस कर देंगे? नहीं असीम जी, लेकिन मैं ये इस तरह नहीं ले सकूंगी। क्यों? लड़की वाले लड़के के घर का पानी तक नहीं पीते। ओह डोंट वरी, पानी नहीं है इसमें।
नहीं असीम जी, दरअसल हमारे घर की परंपरा है, उसूल है कि हम लड़के वालों के यहाँ का कुछ भी नहीं लेते। अगर मैं ये रख लूँगी तो हमें बुरा ही लगेगा। चलिए, पर आया हूँ तो एक काम कर लेते हैं, गीतांजलि की अंगूठी का नाप दे दीजिए, वो सगाई वाले रोज जरूरत पड़ेगी तो। ये लीजिए, मेरा और गीतू का नाप एक ही है। हाँ, आप एक मिनट रुकिए, मैं आपका भी नाप ले लेती। असीम जी, संध्या जी, कौन था? असीम जी आए थे, आप गीता का पठन कर रहे थे इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। अच्छा, ये क्या है? ये असीम जी दे गए हैं। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि उनके घर की कोई भी चीज यहाँ नहीं आएगी? नहीं नहीं, ये उनके नहीं, अपने ही घर का बर्तन है, वो लौटाने आए थे। लेकिन उसमें जो भरा है वो तो हमारा नहीं है। मैंने तो उनको बहुत मना करने की। बातें मत बनाओ, तुम दूध पीती बच्ची हो जो तुम पर जबरदस्ती थोप गए? हजार बार तुम्हें समझाया लेकिन तुम समझती नहीं हो, एक पल में सारे उसूलों को, सारे आदर्शों को भूल जाती हो। कान खोलकर सुन लो संध्या, अगर आइंदा तुमने मेरे आदर्शों को जरा सा भी घायल करने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे मेरी अलमारी में रखे उस बेत का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे सिर्फ देखकर आज तक तुम डरती रही हो। अब जरा सी भी शर्म है तो इसे खाने मत बैठो।